I would have killed all the Jews of the world, but I kept some to show the world why I killed them. ये कथन एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। जब भी मानव जाति पर हुए भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो उसमें सबसे आगे नाम होगा जर्मनी के तानाशाह हिटलर का, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, इस वीडियो में आप हिटलर के बारे में 30 ऐसे बात जानोगे जो शायद ही आपने सुनी हो, सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसका जन्म ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। नंबर 2, एडोल्फ हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां ने एबॉर्शन कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसके लिए मना कर दिया। नंबर 3, जब हिटलर 4 साल का था तब उसे एक पादरी ने डूबने से बचाया था। नंबर 4, हिटलर जो कि मानव इतिहास का सबसे क्रूर इंसानों में से एक था, वह अपने कॉलेज के बाद एक पेंटर बनना चाहता था। नंबर 5, हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वह यहूदियों को अपवित्र मानता था और कहता था कि जो भी गलत होता है इन यहूदियों के वजह से ही होता है। इसी नफरत के चलते उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 6, यहूदियों से इतना नफरत करने वाले तानाशाह हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उस वक्त हिटलर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने प्यार का इजहार कर सके। वह इंसान जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह एक लड़की से बात कर पाए। नंबर 7, होलोकॉस्ट जो यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स चलाए थे, जिसे कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता था, जहां जाने से अच्छा लोग मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में लोगों को बड़े बेरहमी से तरपा तरपा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप हिटलर ने होलोकॉस्ट के समय चलाए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि इन कंसंट्रेशन कैंप्स को देखने तक कभी हिटलर नहीं गया। नंबर 8, हिटलर की तानाशाही के वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नंबर 9, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हो, जिसने कंसंट्रेशन कैंप्स में करोड़ों लोगों को तरपा तरपा कर मारा हो, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हो, उसी इंसान को 1939 में वार शुरू होने से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 10, 1938 में अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर के टाइटल से नवाजा था। नंबर 11, शायद आपको जान के हैरानी हो, इंसानियत को शर्मसार करने वाला एडोल्फ हिटलर आस्तिक था। नंबर 12, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इतना कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति हिटलर एक शाकाहारी था, यहाँ तक कि उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। लोगों के लिए उसमें तो कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन जानवरों के प्रति उसकी बहुत ही संवेदनशीलता थी। नंबर 13, मॉडर्न एरा में हिटलर वो आदमी था जिसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के खिलाफ अभियान चलाया था। उसने यह ऐलान किया था कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है, और वो एक खुद ही टी टॉटलर था जिसने कभी भी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया था। नंबर
14 दुनिया के बड़े से बड़े लीडर अपने स्पीचेस दूसरों से लिखवाते हैं, वही हिटलर अपना स्पीच खुद से लिखता था। नंबर 15 हिटलर एक शानदार वक्ता था। वो भड़काऊ भाषण देता था और उसे लोगों को भड़काने में बड़ा मज़ा आता था। उसके भाषणों में लोगों का दिल जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार कहते हैं हिटलर की बातों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोके रखने की शक्ति थी। ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नंबर 16 हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूछें बिल्कुल एक जैसी थी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए उसने वैसी मूछें रखी थी। अब संयोग देखिए, दोनों का जन्म सेम ईयर 1889 में हुआ था, सेम मंथ अप्रैल में हुआ था और दोनों के जन्म में मात्र 4 दिन का डिफरेंस था। नंबर 17 एडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। नंबर 18 हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी। हिटलर अपने पिता की 3री पत्नी के बेटे थे। नंबर 19 हिटलर हर दिन सुबह 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगा कर रखता था। नंबर 20 अमेरिकी सैनिकों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी और खुशकिस्मती से वह सैनिक और कोई नहीं हिटलर ही था जिसने वर्ल्ड वॉर टू में लगभग 1 करोड़ लोगों की बर्बरता से जान ले ली। नंबर 21 हिटलर के पास एक ही टेस्टिकल था जिस कारण वह कभी पिता नहीं बन पाया। नंबर 22 दुनिया को खौफ की आंधी में ढकेलने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर खुद भी हर वक्त मौत के खौफ में जीता था। उसे शक था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, इसी वजह से उसने अपने लिए फूड टेस्टर को नौकरी पर रखा हुआ था। ये फूड टेस्टर हिटलर के खाने को टेस्ट करते थे और फिर उस हिटलर को खाना दिया जाता था। नंबर 23 अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन और हिटलर, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, इन तीनों को बिल्लियों से बहुत डर लगता था। नंबर 24 हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंफ में भारत और भारतीयों के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिख दी थीं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिटलर से मुलाकात हुई तो नेताजी ने उस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की। तब हिटलर बेहद शर्मिंदा था और उसने वादा किया था कि वो इन बातों को अपने बुक से हटा देगा। नंबर 25 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स हुए, उस दौरान खेले गए फाइनल मैच में इंडियन कैप्टन मेजर ध्यानचंद के बेहतरीन परफॉर्मेंस के वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। उस मैच में ध्यानचंद से हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी के तरफ से खेलने का मौका दिया, परंतु ध्यानचंद ने उस ऑफर को हंसते हंसते ठुकरा दिए। नंबर 26 हिटलर का मानना था या तो जर्मनी पूरे विश्व का सबसे ताकतवर देश होगा, नहीं तो जर्मनी रहेगा ही नहीं। नंबर 27 हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। नंबर 28 जब रशियंस ने बर्लिन पर अटैक किया तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर ली थी। नंबर 29 कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से 29 अप्रैल 1945 को शादी कर ली थी और अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को
हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी और उसकी पत्नी ने जहर खा ली थी। नंबर 30, बहुत से इतिहासकारों का ये भी मानना है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत वह अपनी प्रेमिका के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वह कई सालों तक गुमनाम भरी जिंदगी जीता रहा और 1962 में उसकी मृत्यु हुई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हिटलर के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के हिस्ट्री से जुड़े रोचक फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रेयर काइंड की एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।